गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो हम अभी आए हैं और अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है तो वहाँ जाके वीडियो दिखाते हैं। बन गया। पार्ट वन क्लास का छात्र हूँ, मेरा नाम दरअसल प्रवीण। जैसा कि हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, जानते हैं। मैं आज के इस महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोगों ने आपके सामने खड़ी होकर बोलने का अवसर दिया है। मेरे प्यारे सहपाठियों, देशभक्त त्याग तपस्या और बलिदानों की अमर कहानी 26 जनवरी का यहाँ पर्व समेट हुआ है। उत्सव और शौर्य का इतिहास है, भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। सच ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जानों में नाम, आजादी आए हैं। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, आए हुए साथी एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। हमारे अगले सब स्टेट में बिजी है, ये लोग यहाँ पे बिजी है, देखो पूरा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। चलो जाते हैं, इधर निकलते हैं बाहर की ओर, देखते हैं बाहर में क्या क्या मिलता है। संतोष कुमार, सेमेस्टर 1, रोल नंबर 40। अच्छा, ये रहा स्कूल का मतलब कॉलेज का गेट, मेन गेट, जो कि अभी हम लोग इधर से आए, पूरा जंगल बना दिया अंदर में, अब जाते हैं बाहर। ये देखिए, ये है परसा हॉस्पिटल। यहाँ पे जो कि हॉस्पिटल में काम नहीं होता है मरीज का, यहाँ पे काम होता है लरवा, भूसा, गोठा, ये सब काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हर रूम में मतलब कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लरवा होगा, गोठा होगा, भूसा होगा, कुट्टी होगा, ये सब यहाँ पे रखता है। यहाँ हॉस्पिटल बनाया है मगर यहाँ पे कुछ होता नहीं है। और अभी हम लोग देखो उसको ढूंढ रहे हैं, वो बोला कि घर जाएंगे, नहीं जा रहा है, देखते हैं कहाँ कहाँ उसका दिखाता है, वीडियो दिखाते हैं किसके साथ में खड़ा है। वो वाइट जो पहना हुआ है और ब्लैक, उसी को हम लोग ढूंढ रहे थे और ऊपर था वो, उसके बारे में बता रहे थे, वो यही है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे हो गया मेरा, यहाँ पे मतलब देखते देखते पूरा परेशान हो गया, अब जा रहे थोड़े बाहर की ओर।